हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अमेजोन पे पर। दोस्तों, अगर आपके भी यहाँ पर देखिए अमेजोन पे वॉलेट पर कुछ पैसे जो यहाँ पर पड़ा हुआ है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे। बैंक में ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो में जो पूरा बने रहे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आपको यहाँ पर से जो अमेजोन पे के वॉलेट के बैलेंस वाले पैसे को आप अपने बैंक में कैसे ले सकते हैं एंड किस तरह से आप यहाँ पर कोई सा भी चार्ज पे किए बिना आप यहाँ पर अपने बैंक में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। अमेजोन पे बैलेंस में दोस्तों, अगर आपका कुछ पैसा जो फंसा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपने ID का जो है KYC प्रोसेस कम्प्लीट कर लेना है। तो KYC कैसे करना है दोस्तों, इस पर मैंने एक जो है अच्छा सा एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर आपको दिखाया हूँ, जिसमें आप यहाँ पर मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर वीडियो KYC में ज्वाइन करके दोस्तों आप अपना KYC को वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों, आप यहाँ पर अमेजोन पे बैलेंस को कैसे आप अपने जो है किसी भी तरह के पेमेंट में करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्विच टू वन क्लिक पेमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको जो है अपने बैलेंस को अपने बैंक में लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे खुद के ID पर मैं 511 रुपये जो दिखा रहा दोस्तों, और मैं इसको जो है अपने बैंक में लेकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों आपको स्कैन एंड पे के ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पर से दोस्तों आपको सेंड मनी या फिर स्कैन एंड पे के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर कोई सभी QR कोड को स्कैन करके अपने बैंक में इसको ले सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा QR कोड इस तरह से जो अटैच कर लेने के बाद इस तरह से बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आ चुका है और मैं यहां पर से जो है जितना पैसा भी ट्रांसफ़र करना चाहता हूं दोस्तों, इस तरह से आप उसको जो है टाइप कर लेता हूँ एंड इस तरह से टाइप कर लेने के बाद दोस्तों, जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि अमेजोन पे UPI इस तरह से देखने को मिलता है और साथ ही साथ 100 more ways to pay आपको देखने को, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको अमेजोन पे बैलेंस के ऊपर आपको इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का रेड डॉट आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है अपने सिम को रीवेरीफाई करवाना होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लें एंड जैसे आप यहां पर री वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर अमेजोन पे UPI इस तरह से आते हुए इस पेज पे, तो आप इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप अपना सिम को सेलेक्ट करते हुए आपको वेरीफाई कर लेना है अपने सिम को दोस्तों आपको इस तरह से जो वेरीफाई करके आपको यहां पर से जो अपना अमेजोन पे वॉलेट को बैलेंस को आप यहां पर कोई सा भी अदर आप यहां पर UPI ट्रांजेक्शन पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए वेरीफाई कर लिया हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेजोन पे बैलेंस मेरा वॉलेट से जो है 501 रुपये जो डिडक्ट हो चुका है और उसको मैं यहाँ पर देखिए पे के ऊपर क्लिक करके इस तरह से जो पेमेंट प्रोसीड कर लूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 501 रुपये का पेमेंट मेरे बैंक में हो चुका है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कोई सा भी एक पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वॉलेट को उपयोग करके दोस्तों आप यहाँ पर वॉलेट बैलेंस को आप यहाँ पर यूज करके किसी भी तरह का पेमेंट आप यहाँ पर से जो है कर सकते हो एंड अदरवाइज दोस्तों अगर आपको इसको जो है बैंक में लेना हो तो आप अपना बैंक का QR कोड को स्कैन करके दोस्तों आप यहाँ पर से जो इसको इस तरह से जो है बताए गए तरीके से जो आप इसको ले सकते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर देखिए अमेजोन पे बैलेंस को आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो दोस्तों या फिर अपने बैंक में इसको ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हूँ वैसे ही ठीक आपको इसको करके बहुत ही आसानी के साथ जो है अपने बैंक में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए बैंक में अमेजोन पे बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं जो आपको एंड इस वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, उस वीडियो को देखकर आपको यहाँ पर से जो अपना KYC वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है अमेजोन पे के वॉलेट पर। और उसके बाद दोस्तों आप यहां पर जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताया हूं ठीक वैसे प्रोसेस करके अपने बैंक में जितने चाहे आप उतना अमाउंट को अपने बैंक में इस तरह से जो है भेज सकेंगे एंड इस तरह से दोस्तों आप अपना अमेजोन पे बैलेंस का यूज भी कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर जो पूरी रियलिटी के साथ पता चल चुका कि कैसे आप यहाँ पर बिना कोई शुल्क दिए हुए आप अपना अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक में कैसे ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें ताकि उसका भी इस तरह से जो अमेजोन पे पर फंसा हुआ बैलेंस इस तरह से यूज में आए और इस तरह से दोस्तों वो जो अपने बैंक में इसको ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।